नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज। मैं हनी यादव। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कर्नाटक में आम सभा को संबोधित करने पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने बीजेपी की आलोचना की और भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिनके लिए मोदी जी वोट मांग रहे हैं, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। इसके बारे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या कहना चाहते हैं और क्या कहा प्रियंका गांधी ने, आइए देखते हैं। चुनाव के समय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री आकर आपको सिर्फ इधर उधर की बातें बताते हैं, आजकल मेरी बहनों की बातें करते हैं, आपके मंगलसूत्र की बातें करते हैं, आपके गहनों की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये कहां थे जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ अत्याचार हुआ? कहां थे ये लोग जब हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन महिलाओं को जला दिया गया? तो मोदी जी ने किसके पक्ष में बोले? क्या महिलाओं के पक्ष में बोले? क्या मोदी जी की सरकार ने उन अपराधियों की रक्षा की? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता? हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है, सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए, इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा।